नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों क्षमा चाहूंगा, मैं आप लोगों को कुछ दिनों से वीडियो नहीं दे पा रहा था। दोस्तों इसके लिए मैं आप सभी लोगों से बार बार क्षमा मांगता हूं, क्योंकि दोस्तों कुछ कारणों की वजह से एवं कुछ घर में अनुष्ठान की वजह से मैं आप लोगों को सही टाइम में वीडियो नहीं दे पा रहा था। दोस्तों मैं कोशिश कर रहा था कि जो वॉयस होती है रोबोट वॉयस, उसी में अपना वॉयस डाल रहा था। तो दोस्तों संसार की हर एक वस्तु, हर एक तत्व, हर एक गुण का अपना अलग ही प्रभाव होता है। दोस्तों हमारे धर्म शास्त्रों में 3 गुण एवं 5 तत्वों के बारे में बताए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा प्रलयकारी एवं शांतिकारी तत्व जल तत्व को कहा जाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बरसात के पानी का चमत्कारिक एवं दुर्लभ प्रयोग बताऊंगा। दोस्तों जल से संपूर्ण सृष्टि जुड़ा हुआ है। आपने देखा होगा ये संपूर्ण हमारे धरा पर जितने भी सृष्टि है, ये हमारे जो पृथ्वी मंडल है, इसमें आपने देखा होगा दोस्तों 95% जल है, बाकी 5% रहने के लिए भूमि उपलब्ध है। तो दोस्तों जो जल है कहीं ना कहीं इसके तत्व अत्यधिक है। दोस्तों बरसात का पानी आपको बना सकता है मालामाल, कभी नहीं होने देगा धन की कमी, ये बात 100% ट्रू एवं सत्य है। दोस्तों वीडियो को आज बिल्कुल ही छोड़ करके आधे बीच में आपको नहीं जाना है। हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान में सत्य एवं सही जानकारी बताए जाते हैं। अब किस प्रकार से बरसात के पानी आपको धनी बनाएंगे, धनी बनने के लिए क्या करेंगे, ऐसा नहीं कि दोस्तों अचानक से आपके घर में करोड़ों रुपए की बारिश हो जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन कुछ उपाय बताऊंगा, इस उपाय से आपके घर में अगर उठी हुई लक्ष्मी है वो मान जाएंगी, आपके घर में धन आना शुरू हो जाएंगे और एक माध्यम का काम करेंगे। अर्थात दोस्तों ये धन को आकर्षित करने का एक उपाय का ही एक माध्यम का काम करेंगे। तो ये वीडियो को जरा से भी मिस मत करना, आज की वीडियो मिस कर दे तो सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा। ये छोटे से जानकारी दोस्तों आपकी किस्मत बदल देगा, दिन दुगनी रात चौगनी आपकी तरक्की कराएगा। इसलिए इस वीडियो को आज जो है कम से कम 5 से 7 मिनट का अपना बहुमूल्य समय इसमें जरूर दीजिए। तो बरसात के पानी में अनेकों चमत्कार पाया जाता है। बरसात के पानी हर एक एक बूंद, जो बरसात के पानी होते हैं उसके हर एक एक बूंद स्वर्ण चांदी हीरे जवाहरात से भी ज्यादा कीमती होता है। क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि बरसात के पानी पड़ते ही सूखी भूमि पर जान आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा एक गर्मी की सीजन निकलती है, बरसात के पानी आती है तो भूमि सूख जाती है, तो सूखी भूमि पर, बेजान भूमि पर जान आ जाती है। और बरसात की बूंद पड़ते ही जो मिट्टी की खुशबू होती है वो सौंधी सौंधी आने लगती है। मिट्टी की खुशबू में जो मिट्टी होती है उसमें एक अलग प्रकार की खुशबू आने लगती है, और जिस मिट्टी को स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी ग्रहण किए, स्वयं खाए हैं। आखिर देवी देवता जल तत्व में क्यों विलीन हो जाता है? बरसात के पानी के साथ साथ जल तत्व का इतना क्यों महत्व, ये भी थोड़ी सी जानकारी बता दूं, फिर मैं आप लोगों को इसका लाभ बताऊंगा और कौन कौन से व्यक्ति इसका लाभ उठा सकते हैं वो भी जानेंगे। तो देखिये दोस्तों, आपने देखा होगा भगवान श्री हरि विष्णु शेष सैया पर जल पर ही वास करते हैं। किसमें वास करते हैं? जो बैकुंड है वो भी दोस्तों जल पर ही, बैकुंड भी जल पर ही बना हुआ है। और दोस्तों भगवान श्री हरि विष्णु जो है क्षीर सागर पर, जल पर ही वास करते हैं शेष सैया पर। भगवान ब्रह्मदेव भी कमल पुष्प पर आसित होकर के जल पर ही वास करते हैं। सृष्टि के अंत में भगवान भोलेनाथ जब संपूर्ण सृष्टि को भस्म करना होता है, प्रलय लाना होता है सृष्टि में, तो जल तत्व का ही प्रयोग करते हैं। स्वयं माता लक्ष्मी भी जल से ही उत्पन्न हुई है, जिसे हम सब धन की देवी कहते हैं। इसलिए दोस्तों जल कहीं ना कहीं देवी देवताओं को खूब आकर्षित करता है। सूर्य एवं चंद्रमा भी जल तत्व से उत्पन्न हुआ है। बिना जल के सृष्टि प्राणहीन है, इसलिए कहा जाता है दोस्तों जल है तो जीवन है। और अधिकतर आपने कई लोगों के मुंह से सुना होगा सेव द वाटर, अर्थात जो है दोस्तों पानी को बचा करके रखें। कई लोग भी बोलते हैं जल है तो जीवन है, जल ही जीवन का मुख्य आधार है। कई प्रकार के, इस प्रकार के जो है दोस्तों कई लोग जल के महत्व को बताते हैं। तो इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर बरसात के पानी में इतना चमत्कार क्यों पाया जाता है, बरसात के पानी क्यों किसी को धनवान बनाएगा और एक ऐसा धनवान बनाता है, और बरसात के पानी से धनवान बनने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप भी प्राचीन ज्ञान चैनल के माध्यम से कोई नई जानकारी सीखते हैं आप हमारे, तो हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों सावन के महीना चल रहे, तो सच्चे दिल से सच्चे हृदय के साथ कॉमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। दोस्तों भगवान शंकर जी से प्रार्थना करेंगे कि आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो और आपके सारी कष्ट को भगवान भोलेनाथ हर ले। तो बरसात के पानी के प्रयोग कौन कौन से कार्यों में कर सकते हैं, बरसात के पानी के आइए जानते हैं दुर्लभ एवं चमत्कारी का प्रयोग। दोस्तों बरसात के पानी को अगर घर के उत्तर दिशा में नमक मिलाकर के रखा जाए
तो घर के भयंकर वास्तु दोष भी समाप्त हो जाते हैं। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं कि गुरुजी हमारे घर में वास्तु दोष लगे हैं, इसे दूर करने के लिए कोई उपाय बता दीजिए। देखिए जो वास्तु पुरुष हैं ये भी भगवान शंकर के आंसू से उत्पन्न हुए हैं, भगवान शंकर जी के पसीने से उत्पन्न हुए हैं। तो जो वास्तु पुरुष है कहीं ना कहीं दोस्तों नमक मिला जो बरसात के पानी है इससे वो शांत होता है, इसलिए दोस्तों घर के वास्तु दोष समाप्त होता है। लेकिन इसे घर के उत्तर दिशा में नमक मिला करके रखना होता है एक छोटे से कांच के शीशी में। बरसात के पानी को इत्र मिला करके, ध्यान से सुनिए, बरसात के पानी को इत्र मिला करके बुधवार के दिन हरे वृक्ष की जड़ पर डालने से कुंडली में हमारे जो बुध ग्रह कमजोर होता है दोस्तों वो बलवान होता है, इससे हमारे बौद्धिक विकास होता है, हमारे बुद्धि में तीव्रता आती है, हमारे बुद्धि में प्रखरता आती है। बरसात के पानी, गंगा जल और थोड़ी सी हल्दी लेकर के, ध्यान से सुनिएगा चमत्कारी क्यों ये दुर्लभ प्रयोग, बरसात के पानी, थोड़ी सी गंगा जल और थोड़ी सी हल्दी मिला करके इस आप किसी एक पात्र में रख लें और इससे दोस्तों आप अपने घर में पोछा लगाएं। तो इसका बेनिफिट ये आपको गजब से मिलेगा कि वर्षों पुराने आपके घर के जो दरिद्रता है, दरिद्रता के मतलब है दोस्तों आपके घर में लक्ष्मी ही नहीं आती, लक्ष्मी रुड़ चुकी है, धन आने का मार्ग बंद हो चुका है, तो इससे हमारे घर में दरिद्रता आती है। दरिद्रता देवी आती तो अपने साथ में अपने दो पुत्र को लेकर के आती है। दरिद्रता देवी के पुत्र कौन कौन से हैं? दुख और तकलीफ। तो दरिद्रता देवी जिस घर में आती उस घर में आपने जरूर गौर किया होगा दुख एवं तकलीफ होती है। तो ये बरसात के पानी दोस्तों इसमें थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ी सी हल्दी मिला करके आप अपने घर में पोछा लगाते हैं तो इससे आपके घर के दरिद्रता मिटती है एवं गृह क्लेश दूर होता है। वीडियो के आखिरी में भी बताऊंगा दरिद्रता क्यों मिटती है, क्योंकि बरसात के पानी, अब ये बरसात के पानी क्यों गिरते हैं दोस्तों, समुद्र के ही पानी जाकर के ऊपर में बरसात के पानी बनकर के गिरते हैं और समुद्र, समुद्र की पुत्री कौन है? माता लक्ष्मी स्वयं समुद्र की पुत्री है, इस नाते जो समुद्र से गिरा हुआ जो पानी होते हैं स्वयं साक्षात समुद्र की स्वरूप माने जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है इससे हमारे घर की दरिद्रता भी मिटती है, गरीबी भी मिटती है और आपने जो थोड़ा सा हल्दी ली है, हल्दी से भगवान विष्णु सत्यनारायण जो भगवान विष्णु कहे गए ये प्रसन्न होते हैं। जहां पे हल्दी का अगर पोछा लगाया जाए तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, उस घर से दरिद्रता को समाप्त करती हैं। आइए नेक्स्ट प्रयोग जानते हैं। वीडियो को आधे बीच में भूलकर क्या छोड़कर के मत जाना, इसके अभी पांच और दुर्लभ प्रयोग बताऊंगा जो प्रयोग आपकी जीवन के हर बाधा तकलीफ एवं कष्ट को चुटकियों में मिटा देगा दोस्तों। ऐसे जानकारी लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पर भी नहीं मिलेगा। और हाँ, अगर हमारे जानकारी से आप संतुष्ट नहीं होते दोस्तों तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो बरसात के पानी को इकट्ठे करके आपको रखना है और प्रत्येक पूर्णिमा के दिन एक कटोरी में, प्रत्येक पूर्णिमा के दिन एक कटोरी में सर्वप्रथम तो एक रुपए का सिक्का डालना है और बरसात के पानी को उसमें डालना है और दुब की सहायता से, जो दुब घास कहते हैं ना दोस्तों, दुर्वा घास जिसे भगवान गणेश जी के स्वरूप माने जाते हैं हमारे धर्मशास्त्रों में, तो इसकी सहायता से धीरे धीरे आप अपने घर में छिड़काव करें तो बरसात के पानी की तरह ही आपके घर में धन बरसने लगेगा। कहने का मतलब है कि ये चमत्कारिक टोटका ऐसा काम करता है कि आपके घर में चारों दिशाओं से धन को आकर्षित करता है। ऐसा नहीं कि दोस्तों कि डायरेक्ट आपके घर में पैसे की बारिश होने लगेगी, पैसे की बारिश के मतलब है कि दसों दिशाओं से आपके घर में धन आने का योग बनाता है दोस्तों। निष्ठा प्रयोग है कि बरसात के पानी को अगर अंगूठे की आकार की शिवलिंग को नहला करके, अभी क्योंकि सावन के सीजन चल रहे, सावन के जो समय होता है बहुत ही दुर्लभ होता है, अच्छा समय होता है, सावन के समय निकल जाएंगे फिर भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। तो बरसात के पानी को अंगूठे की आकार की शिवलिंग को आपको लेना है और एक कांच की थाली लेना है, उसमें आपको इसे रखना है और जो अंगूठे की आकार की अपनी शिवलिंग रखें दोस्तों उसे आपको नहलाना है और इस पानी को घर की रसोई भंडार पर एवं थोड़ी थोड़ी घर के सभी सदस्यों को पिला देना है। घर के अगर आप रसोई में रखते हैं तो अन्नपूर्णक आपके घर में भंडार भरेंगे और घर के सभी लोगों को अगर थोड़ा थोड़ा पिला देते हैं तो सभी के दुर्भाग्य दूर हो जाएंगे, दुर्भाग्य कोसों दूर हो जाएंगे। मैं हर दिन बोलता हूं टोने टोटके के दुनिया में विश्वास होना जरूरी है दोस्तों, टोने टोटके की दुनिया में विश्वास होना जरूरी है। विश्वास होते तभी जाकर के इस प्रकार के जो उपाय होते काम करते हैं दोस्तों। टोने टोटके सरल उपाय वह क्रिया है जो कि कम समय में आपको अत्यधिक लाभ देता है और टोने टोटके दोस्तों साधारण व्यक्ति नहीं, गरीब व्यक्ति नहीं, बड़े बड़े यहां से यहां पे रिच व्यक्ति भी हमारे भारतवर्ष में करते आ रहे हैं और इसके रिजल्ट भी मिलते हैं। नेक्स्ट प्रयोग जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि बरसात के पानी कर्ज को दूर करने का रामबाण उपाय है। नित्य बरसात के पानी को थोड़ा सा सादे पानी में मिला करके शिवलिंग को अगर स्नान कराया जाए तो जैसे जैसे बरसात उतरता जाएगा दोस्तों वैसे वैसे कर्ज भी उतरता जाएगा। बरसात के बाद एक ऐसा समय आएगा कि दोस्तों जो कर्ज है उनके नामो निशान भी मिट जाते हैं।
दोस्तों लक्ष्मी आकर्षित करने के लिए बरसात के पानी का एक दुर्लभ प्रयोग सुने। मिट्टी के बर्तन में बरसात का पानी इकट्ठा करके रखें और घर के ईशान और उत्तर दिशा में इसे रखना है। ईशान जो कोण है इस दिशा में रखना है और घर की उत्तर दिशा में रखना है। उत्तर दिशाओं को देवताओं का दिशा माना जाता है, उत्तर दिशा माता लक्ष्मी की दिशा है, तो इससे आपके घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास बना रहेगा और घर में आबे के किसी भी प्रकार के सुख शांति एवं धन वैभव की कमी नहीं होगा। यदि किसी को विवाह में परेशानी आ रही है तो बरसात के पानी को एकत्रित करके भगवान श्री गणेश जी का जल अभिषेक करें तो इससे विवाह में जो विलंब आ रही है वो दूर हो जाएगी। अंतिम प्रयोग सुनिए। बरसात के पानी को एक पात्र में इकट्ठा करके रखें। ध्यान से सुनेगा, ये जानकारी बहुत ही काम आएंगे, आपके जीवन के सारे तकलीफ को हरेंगे, परेशानी को हरेंगे। फिर बाद में कमेंट करते हैं, गुरुजी नकारात्मक शक्ति घर में भूत बाधा है तो क्या करें, इसके रामबाण दवा बता रहा हूं। तो बरसात के पानी को एक पात्र में इकट्ठे करके रखें और उसमें छोटी सी, दोस्तों जो पात्र में इकट्ठे करके रखें उसमें छोटी सी हनुमान जी महाराज की आपको गदा डाल देनी है। दोस्तों आप चाहे तो गदा लॉकेट वाले भी गदा का प्रयोग कर सकते हैं, आजकल मार्केट में मिल जाते हैं, छोटी सी डाल लेना, सस्ते से सस्ते दामों में मिल जाएंगे। फिर हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए भरे पात्र के जो पानी आपने पात्र रखे उसमें पानी भरे गदे डाले हैं, गदा डाल करके हनुमान जी के रखे हैं, उसे निहारते हुए आपको देखना है और 5 हनुमान चालीसा का कोशिश करना, पाठ करना, एक नहीं बल्कि 5 करना, तो इसके जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। और इसके बाद इस पानी का छिड़काव घर में करना और इस पानी को जो आपके घर में बीमार पड़े लोग हैं जिसे नकारात्मक शक्ति हमेशा सताते रहती हैं उन्हें पिला देना, तो घर से नकारात्मक शक्ति भस्म हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा घर के सभी लोगों को पिला देंगे तो सभी लोगों के शरीर में किसी भी प्रकार की क्रिया हो, टोना टोटका लग, वो सब भस्म हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, बरसात के पानी को हम सब साधारण समझते हैं लेकिन आज के बाद आप इसे साधारण नहीं समझेंगे। बरसात के पानी आप अपने घर की उत्तर दिशा में जरूर रखना, आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होना शुरू हो जाएंगे। टोने टोटके की दुनिया में विश्वास होना जरूरी है, विश्वास कायम रखना जरूरी, तब आपको लाभ मिलेगा। कहा भी जाता है विश्वासम फलदायकम, विश्वास है तो पत्थर पे भगवान देख सकते, विश्वास नहीं भगवान आपके सामने में खड़े वो भी पत्थर तुल्य। उसी प्रकार टोने टोटके की दुनिया में विश्वास होना जरूरी है। चैनल की यह जानकारी कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों में शेयर करना ना भूलना। दोस्तों शायद आपके छोटे से शेयर किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से भी बचा सकता है। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मैं जल्द जुड़ूंगा आप सभी से किसी नए और एक अच्छे जानकारी के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, जय भोलेनाथ।